झंस्कार परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी पश्चिम बंगाल वासियों सहित देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन। महापूजा के नवरात्र में सर्वोत्तम माँ की साधना है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति कोलकाता में श्री श्री नव दुर्गा भवानी पूजनोत्सव गोल्डन जुबली वर्ष 2022 आयोजक श्री गोरखनाथ सेवा समिति जश्न मनाया। नेपाल सनातन हिंदू देश है। नेपाल की संस्कृति भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैंड बाजे के साथ कोलकाता के बृहत्तम भीड़भाड़ इलाके न्यू मार्केट एक परिक्रमा करते हुए आयोजक एवं प्रवासी नेपाली वासियों ने किया। पंडाल का उद्घाटन वार्ड 46 के पार्षद प्रियंका साहा एवं कोलकाता के उप कौंसुलर जनरल नेपाल तारका राज भाट्टा ने फीता काट कर किया। उपस्थित वक्ता के रूप में सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों के रूप में पूर्व पार्षद गोपाल चंद्र साहा समिति सलाहकार, वर्तमान पार्षद प्रियंका साहा, समाज सेवी अरुण पांडे समिति संरक्षक, केशव अधिकारी क्षेत्रीय आयोजन अध्यक्ष, मोहन कुमार सिंह आयोजन सचिव, नर विक्रम थापा सचिव समिति, सी बी श्रेष्ठा आयोजन अध्यक्ष, राम प्यारे राम पूर्व विधायक पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस, वृद्धि विक्रम थापा समाज सेवी सहित समाज सेवियों, नेपाली कवि, साहित्यिक, समाज सेवियों की उपस्थिति थी। दिलीप थापा की ओर से सांस्कृतिक प्रोग्राम में भागीदारी के रूप में थे। नेपाली संस्था के द्वारा कार्यक्रम नेपाल के कलाकारों ने अपने प्रतिभा को लोगों के भीड़ में प्रस्तुत कर जनता के मन को मोहित किया। नेपाल के पशुपतिनाथ एवं पश्चिम बंगाल में माँ काली यानी काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियाँ हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। शिव की अर्धांगिनी शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी काली कही गई है। और आप लोग का पूजा बहुत अच्छा से कटे और अच्छा पूजा हो। हैप्पी पूजा आप लोग सभी का। पहला बार इन लोगों को मैं पहला बार यहाँ पे आई हूँ, बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू। वो पूजा टोटली नेपाली थीम पर किया गया था, तो वहाँ पर हम लोग ब्राह्मण कलाकार सब सारे नेपाली लोग थे। पर वो लोग गले लोग सोचते थे और बोलते थे नेपाली देर पूजो, तो बोलता था एक्चुअली नेपाली का पूजा तो नहीं था, पूजा तो बंगाली का ही था। लेकिन हम लोग ने वहाँ पर उस तरह का जो पूजा किया था, आज दूसरा पूजा मैं देख रहा हूँ गोरखनाथ समिति ने उसी तरह पशुपतिनाथ का मंदिर का यहाँ पर इमेज खड़ा किया है और टोटल नेपाली परिवेश में जो कार्यक्रम को आयोजन किया है। और इसके लिए मैं गोरखनाथ सेवा समिति को काफी काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी उपस्थित है उनके सहकर्मी गोपाल चंद शाह जी जो कि कर्मठ नेता मैं देखा हूँ इस वार्ड में, अपने वार्ड में जो कार्य करते हैं बहुत ही सराहनीय है। सुबह से लेकर शाम होनी चाहिए जिन्होंने इतने सुंदर मंडप को आज हमारे बंगाल के धरती माँ माटी मानुष के धरती पे इन्होंने वाले बहुत हमारे नेपाली को स्थान बांध रही हूँ वाले जब भी वहाँ की समय भले नहीं कौन सा मेरे स्टेज मरी मैं भंग थी इसको आगे देखने में अच्छा लगा। नाम आपका? नाम असलम। नेपाल एंड इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन। दिस इज द सिंबल ऑफ आवर रिलेशन। कोलकाता इज द लैंड ऑफ काली एंड नेपाल इज द लैंड ऑफ हिस्ट्री। नेपाली पीपल मेड दिस माता एंड दैट वी आर प्रेइंग काली माता हियर। दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन नेपाल एंड इंडिया रिलेशन। ये देखिए ये 50 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आज 50 साल में ऐसा हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं ये आगामी दिन में इससे और बड़ा अच्छा प्रोग्राम बने, नेपाल और इंडिया के रिलेशन और स्ट्रांग होने ये हम कामना करते हैं। नेपाली लोग जो यहाँ बैठे हैं उनका भाषा और संस्कृति के प्रवर्धन में बहुत बड़ा योगदान है और नेपाल और भारत के बीच में हमारे भाषा संस्कृति और भूगोल का जो सामीप्यता है, तो इससे पता चलता है हमारे बीच बहुत बड़े अच्छे संबंध है। हम ऐसा कहते हैं ये कोलकातावासी और पश्चिम बंगाल से हमारा बहुत अच्छा आर्थिक संबंध है, हमारा भौगोलिक संबंध है, धार्मिक संबंध भी है। हम चाहते हैं ये संबंध और मजबूत हो। हम प्रार्थना करते हैं ये दशहरा के ये दशहरे के शुभ अवसर पर
ये हमारा संबंध जो है और मजबूत बने और नेपाल और भारत के संबंध आगे सदियों तक और मजबूत होता जाए। नमस्कार, मैं अरुण पांडे, मैं गोरखनाथ स्वास्थ्य नीति का संरक्षक हूँ। मेरे को मेरा तरफ से सभी जात विशेष धर्म से ऊपर उठ के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार सलाम अदावजय सत श्रीकाल। मैं इस पशुनाथ पंडाल के माध्यम से मैं आपसी भाईचारा को दर्शना चाहता हूँ। यह एक पूजा ही नहीं है, एक मिलन उत्सव है जिसमें सब लोग मिलजुल के हिस्सा लेते हैं, मिलजुल के इसका लुत्फ उठाते हैं। इसके द्वारा हमें संदेश भेजता है कि ये जो पूजा है, इस पूजा के माध्यम से सभी लोग हम लोग भाईचारा बनाए रखें, आपस में मिल मिलाप करके रखें। यही मेरा वक्तव्य है। और इससे बड़ा ये पंडाल लगभग 3 महीना लगा बनाने में, ठीक है, ये हम लोग का धरोहर संस्कृति नेपाल से जाके हम लोग इसको लेके आए हैं। जिस लोगों ने पशुनाथ को नहीं देखा होगा तो आज एक सबसे हिसाब से पशुनाथ मंदिर को देखने ये उमरटोले बोल के एक जगह है, वहाँ से इसको देखा। दुर्गा दुर्गा जो है वो शक्ति का रूप है और शिव जो है भोले का रूप है। यही मैं लोगों से संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा माँ का हम लोग को उपासना मिलता है और माँ का हम लोग को सहयोग मिलता है। और मैं एक फोटो में देख रहे हैं, ये मेरा भतीजा है, ठीक है, अपना भतीजा है। और मैं इस गोरखनाथ सेवा समिति का मैं जो ये मंदिर देख रहे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर को बनाने में 2 महीना लगा, नदिया जिला का मिस्त्री लोग था। और इस पशुपतिनाथ मंदिर इसलिए हम लोग बनाया कि काठमांडू नेपाल ये बहुत दूर में है, काठमांडू नेपाल सब आदमी पहुंच नहीं सकता। जो गरीब घाट का आदमी लोग है, जो मीडियम का है, वो लोग यहाँ से जाके काठमांडू में जाके पशुपतिनाथ मंदिर नहीं दे सकता। उसका हम लोग कमिटी से तो छल पल करके हम लोग क्या मंदिर बनाए, तो हम लोग का कमिटी में क्या आया कि नहीं चलो हम लोग नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर बनाया जाएगा। तो पशुपतिनाथ मंदिर बनाने के लिए हम लोग एक खास बात है कि हम लोग मीडियम और गरीब आदमी लोग को दिखाने के लिए ये मंदिर बनाया गया हुआ। ये पशुपतिनाथ मंदिर शिव जी का मंदिर है और इसमें हम लोग शिव जी का मंदिर बना के नौ दुर्गा मंदिर मूर्ति को हम लोग रखे हैं। यही है पशुपतिनाथ का मेन नारायण जी साहब है। हम काठमांडू नेपाल से आ रहा है, डांस शो के लिए आ रहा है। यहाँ भगवान पूजा को इसी ईयर हो रहा है, इसके लिए हम डांस के लिए किया था इधर से, इसलिए हम इधर आए। कौन सा डांस करेंगे यहाँ पर आके? हम मारुनी नेपाली कल्चर डांस, नेपाली कल्चर डांस करेंगे यहाँ। इस नेपाली कल्चर डांस से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और भी सभी को? नेपाली चाहेंगे, नेपाली कल्चर भी अच्छा कल्चर है, जब कल्चर रहेगा तो देश रहेगा। इसलिए हम कल्चर से हमें जुड़ाना चाहता है कल्चर के, नेपाली कल्चर के। इसलिए हम नेपाल नेपाली कल्चर के दोनों भी दौरा है। कलकत्ता में भी ऐसा नाच रोटी बना रहा है जिसमें